असलम रहीम मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मारतुफ है और आज हम सीखने वाले हैं फास्ट ए पी आई फास्ट ए क्या चीज़ है और किस तरीके से ये वेब ऐप डेवलपमेंट के अंदर हमारी बैकेंड को स्ट्रॉन्ग बनाती है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी तक हमने एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बना पढ़ा है जिसको हम फ्लास्क कहते हैं उसके पहले हमने स्ट्रीमलेट पढ़ा था जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों होते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं फास्ट ए इसके बाद जेंगो भी पढ़ेंगे तो हमारे पास मल्टीपल फ्रंट एंड एंड बैक एंड फ्रेमवर्कस होते हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके अपनी वेब ऐप बनाते हैं वेब ऐप का बैकएंड क्या होता है जो चीज़ एक वेब ऐप की बैक साइड पे चल रही होती है उसे बोलते हैं बैक एंड और जो आपके सामने इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड बैकेंड और फ्रंट एंड मिल के आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट या वेब ऐप बनाते हैं अब हम इस पर बात करते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो फास्ट ए यूज़ करके जैसे कि नाम से जाहिर है फास्ट पेस के ऊपर काम करती है और क्यों लोग फास्ट ए को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू फ्लास्क या जेंगो या ऑन दी अदर साइड लोग फ्लास्क को क्यों प्रेफर करते हैं और जंगो को प्रेफर क्यों नहीं करते या फास्ट ए को प्रेफर क्यों नहीं करते स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक दिस स्ट्रीम या वीडियो एंड ऑल्सो हमने जी वाले कोर्स का पूरे का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यू कैन फाइंड आउट ओवर देयर कि हमारा छ माह में हमने क्या क्या सीखा है लेट्स जंपिंग टू द स्क्रीन अभी आपके सामने मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे पास फास्ट ए काम करती है सबसे पहले आपने जाना है गूगल में ठीक है गूगल में जाते ही यहाँ पे आपने लिखना है फास्ट ए मैं यहाँ पे फास्ट ए लिखता हूँ एंड यू विल सी अ फ्रेमवर्क कॉल्ड फास्ट ए पी आई हेयर ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फास्ट ए जो है ये एक फ्रेमवर्क हमारे सामने आया है और इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि फास्ट ए फ्रेमवर्क क्या करता है हाई परफॉर्मेंस है ईजी टू लर्न है फास्ट टू कोड है एंड रेडी टू प्रोडक्शन है रेडी फॉर प्रोडक्शन तो ये इनके कुछ स्लोगन्स हैं जो तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जब भी आप फास्ट ए पी आई को यूज़ करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से हेल्पफुल साबित होती हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर जाएँ तो ये हमारे पास इसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है और क्योंकि ये ओपन सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल है तो ये गेटअप के ऊपर भी इसका लिंक दिया हुआ है फास्ट ए पी आई जो है ये मॉडर्न है फास्ट है एंड वेब फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग ए पी आई इज़ विथ पाइथन थ्री पॉइंट एट प्लस बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड Python टाइप hints. तो ये कैसे काम करती है किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करेंगे एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस इसके बारे में हम बात करेंगे इसके कुछ की फ़ीचर्स हैं ये बहुत तेज़ काम करती है हाई परफॉर्मेंस है बहुत जल्दी आप कोड करके पूरी एक ऐप बना सकते हैं फ्योर बग्स हैं इसके अंदर इन है. इंटोएटिव क्या होता है कि ग्रेट एडिटर सपोर्ट है आपके पास इजी है बहुत आसानी के साथ आपको समझ आ जा जाती है शॉर्ट है यानी कि मिनिमाइज कोड डुप्लीकेशन है आप एक ही तरीके से कई किस्म की कोडिंग इसके अंदर कर सकते हैं रोबस्ट है यानी कि प्रोडक्शन रेडी आप कोड पूरे का पूरा बना सकते हैं और चीज़ों को डिप्लॉय कर सकते हैं ऐप्स को एंड देन आपके पास स्टैंडर्ड बेस्ड है यानी कि ये वाली जो ऐप आप, आप इसके ऊपर बनाएंगे फास्ट ए के ऊपर वो बहुत अच्छा काम करेगी अब ए को समझना ज़रूरी है मैं एक मिसाल आपको देता हूँ मैंने यूट्यूब से एक वीडियो देखनी है मैं कोडेनिक्स लिखता हूँ यूट्यूब पर जा तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली जो मेरे पास फ्रंट एंड मौजूद है यूट्यूब का उस पर मैंने जब लिखा कोडेनिक्स तो मेरे क्लाइंट यहाँ से जो मैं हूँ मैं यूट्यूब का क्लाइंट हूँ मैंने वहाँ पे जब कोडेनिक्स लिखा तो वो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हुई टुवर्ड्स यूट्यूब का डेटाबेस ठीक है जो कहीं पे बड़ा सिस्टम पड़ा होगा जहाँ पे यूट्यूब की पूरी पूरी वेबसाइट होस्ट है या डेटा होस्ट है अब ये जो मैंने प्रोसेस किया लिख के जो सर्च का बटन दबाया तो वो रिक्वेस्ट चली गई यूट्यूब के डेटा के ऊपर जो कहीं पर सर्वर के ऊपर होस्टेड है जो मुझे मेरे सामने गूगल क्रोम पे नज़र आ रहा है ये मेरा क्लाइंट है यानी कि मैं मैं क्लाइंट हूँ बेसिकली मैं जहाँ पे देख रहा हूँ ये मेरा फ्रंट एंड और मैं क्लाइंट की हैसियत से वहाँ पे सर्च करता हूँ वो रिक्वेस्ट जाती है यूट्यूब के ऊपर जब यूट्यूब के ऊपर जाती है तो वो मुझे क्या करता है डेटा प्रोवाइड करता है कि ये रहा कोडेनिक्स का डेटा एंड देन आई व्यू दैट डेटा ऑन माई फ्रंट एंड फ्रंट एंड क्या है मेरा गूगल क्रोम बैक एंड क्या है वो जो डेटा स्टोर है किसी सर्वर पर पूरी दुनिया के अंदर ठीक है सो फ्रंट एंड एंड बैक एंड की आपको समझ आ गया होगी अगर नहीं समझ आई तो इन आने वाले दिनों के अंदर हम जब जेंगो पढ़ेंगे तो उसको और भी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ ठीक है यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको अब होता क्या है आप जब रिक्वेस्ट भेजते हैं बजाय इसके कि आपको पूरे का पूरा डेटा एच फाइल अपलोड करें यहां पर भेजने के लिए तो वो क्या करता है वो बेसिकली एक डेटा प्रोवाइड करता है ठीक है जो डेटा वहाँ से आता है वो ए के थ्रू आता है और आपके पास फ्रंट एंड के ऊपर इसकी एच टी एम एल आपका गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र जो है वो बना के दे देते हैं so, सो वो जो डेटा बैक एंड से उठ के फ्रंट एंड पे आ रहा है इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स जो यहाँ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम रिक्वेस्ट तो ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के दरमियान में जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड ए पी आई यानी कि वो चीज़ जो बैक एंड को फ्रंट एंड के साथ जोड़ती है इसको बोलते हैं ए पी आई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ठीक है इसके बारे में हम बहुत बात करेंगे हमने पहले भी ए पी आई पढ़ी हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स जब हमने ओपन ए आई की ए पी आई पढ़ी थी हगिंग फेस की पढ़ी थी उस वक्त अब होता क्या है जब भी हम बैकेंड की बात करते हैं हम ए पी आई को डिज़ाइन करते हैं और फास्ट ए पी आई क्या कह रही है कि ये जो ए पी आई बैकेंड के ऊपर है दिस इज सो फास्ट सो रिलाएबल सो एलिगेंट सो ब्यूटिफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉ तो वो बता बता रही है आपको कि ईज़ी टू कोर है शॉर्ट है फास्ट है स्पीडी है रोबस्ट है स्टैंडर्ड है आप बैकहैंड अगर फास्ट ए से बनाएंगे आपका फ्रंट एंड बहुत तेज चलेगा यही वजह है कि लोग ज़्यादातर इस पर रिलाई करते हैं फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट ऑब्वियसली इसकी कुछ खसूसियात हैं कुछ इसके आ, जो हैं वो प्रॉज हैं कुछ कॉन्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बट द थिंग इज़ के फास्ट ए किस तरीके से काम करती है उसके ऊपर थोड़ी आप तो देते हैं यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि फास्ट ए किस तरीके से काम करती है ऑब्वियसली इनके इसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं ओपिनियंस यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट ए का सी जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है इंस्टॉलेशन क्या है एग्जाम्पल्स क्या सो ऑन एंड सो फोर्थ सारा के सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा अब मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करता हूँ इट रिक्वायर्स पाइथन ऑब्वियसली पाइथन के अंदर ये काम करेगी तो पाइथन हमें चाहिए तो हमें पाइथन के साथ इसे इंस्टॉल करना होगा समथिंग लाइक दिस ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज़ आर क्या हम यूज़ करने वाले हैं आपको पता है क्या यूज़ करने वाले कोंडा इन्वायरमेंट्स जो यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया होगा ठीक है सो हम इसको इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल करने के बाद हम कोई भी एक क्रिएट करेंगे ऐप को और उसको फिर रन करने की कोशिश करेंगे समथिंग लाइक दिस लेकिन उससे भी पहले हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से किसी भी इंस्टॉलेशन को लेके चल सकते हैं अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मैंने दोनों में डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लिया रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉलेशन एग्जाम्पल क्रिएटेड एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर लेकिन इसका एक और तरीका भी है और तरीका क्या है हम इसको पहले तो इंस्टॉल करते हैं फिर देखते हैं किस तरीके से काम करना है अब आपको आज एक एडवांस लेवल की मैं चीज़ भी बताने वाला हूँ कि फ़ास्ट ए को किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं इन एन ईजी वे यूजिंग कोंडा अब यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा इंस्टॉलेशन के लिए और फिर हम इंस्टॉलेशन करेंगे ठीक है यहाँ तक आपको पता चल गया कि फ़ास्ट ए क्यों यूज़ की जाती है और ये क्यों एक अच्छा बैकेंड है और किस तरीके से फास्टर काम करता है फ्लास्क भी एक बैकेंड है बैकेंड के तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए जेंगो भी कर सकते हैं सो so, आज हम फास्ट ए के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करती है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाउ डू यू वॉन्ट टू लर्न फास्ट ए पी आई और जितना मैं तेज़ बोल रहा हूँ ना फास्ट ए पी आई फास्ट ए पी आई फास्ट ए पी आई करके घोल के भी ला देने इंशाल्लाह आपको समझ आ गई है तो समझा नहीं तो नहीं समझा चलो कोई बात नहीं मैं समझाता